वहां न्यू ईयर के जश्न में डूबने का है, और अगर हसीन वादियों का साथ मिल जाए तो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन दुगना हो जाए। कुल्लू से लेकर मनाली तक और अटल टनल तक इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। बिल्कुल, मनाली में पार्किंग से लेकर होटल पूरी तरह से फुल हो चुके हैं, गली गली सैलानियों से पटे पड़े हैं। ऐसे में स्थानीय कारोबारियों के चेहरे पर खूब मुस्कान आ रही है। आंखों को तरावट देने वाली मनमोहक वादियां, पहाड़ों की शानदार खूबसूरती, सैलानियों की बहार, नए साल के जश्न का चढ़ा खुमार। लगभग साल भर सैलानियों से गुलजार रहने वाले इस अनूठे हिल स्टेशन पर आकर कुछ दिन गुजारने की तमन्ना हर किसी के दिल में रहती है। यही वजह है कि हिमाचल के मनाली में सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। इन दिनों भी नजारा कुछ ऐसा ही है। कुल्लू और मनाली की खूबसूरत वादियों में इन दिनों सैलानियों का मेला लगा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में होता है, मतलब छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं, कैरल्स वगैरह होती हैं, बट अब थोड़ा ये सोचा है कि थोड़ा बाहर भी जाके एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे, बिकॉज रश ये पीकार होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक बार थोड़ा ये था कि एक बार विटनेस कर लेते हैं क्या है नहीं है। ट्रैफिक हमने भी बहुत देखा आधे टाइम में, मतलब हमारी बसेस लगभग एक किलोमीटर के लिए अराउंड वन आवर हमें लगे हैं, बहुत 100 मीटर एक बार में चल रहे थे, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और भीड़ भी बहुत ज्यादा, चूंकि ये पीक आवर है। पहली बार मनाली आया हूँ, हिल स्टेशन पहले भी गए हैं लेकिन ये थोड़ा हाइट वाइज थोड़ा ज्यादा ऊपर है तो ठंड ज्यादा है, आई गेस माइनस में अभी टेम्परेचर होगा, बट मनाली का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बहुत सही है। मनाली की सड़कें और बाजार में मौजूद भीड़ बता रही है कि मनाली की हसीन वादियां इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। मनाली के मॉल रोड से लेकर अटल टनल और कुल्लू और रोहतांग तक पर्यटक बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। आलम ये है कि कुल्लू में बीते दिन में 50,000 से ज्यादा गाड़ियों की एंट्री हुई है, जबकि बीते दो दिन में करीब 40,000 गाड़ियां अटल टनल से गुजरी हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले तीन दिन में मनाली में करीब 1.5 लाख पर्यटकों की आवाजाही हुई है। मनाली में तो इस कदर भीड़ है कि वहां के ज्यादातर होटल हाउसफुल है। लगभग 95% होटलों में सैलानी मौजूद हैं। मनाली में पर्यटकों की बढ़ती तादाद से होटल कारोबारियों के चेहरों पर खुशी है। कोविड के बाद एक लहर टूरिज्म की भी आई थी, जो कि कोविड से सारे लोग फंसे हुए थे, उसके बाद दिसंबर में लहर वैसी आई थी, इसी करके जैसे इस बार फ्लड्स आए थे, तो मनाली के लिए बहुत ही गुड न्यूज ये है कि इस बार भी क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए लोग काफी रश में आए। भले ही स्थानीय कारोबारियों में खुशी की लहर दौड़ रही है, लेकिन पुलिस महकमे के लिए पर्यटकों की तादाद बड़ी चुनौती बनी हुई है। मनाली की सड़कों पर तो ट्रैफिक है ही, इसके साथ में अटल टनल जाने वाले रास्ते और मनाली आने वाले रास्तों पर भी जाम जैसे हालात हैं। ऐसे में पुलिस इस तरह के हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, तो आप भी तैयार हो जाइए नए साल के जश्न के लिए। छुट्टियों और बर्फबारी के बीच नए साल की मस्ती और हसीन वादियों का दिलकश नजारा आपके न्यू ईयर सेलिब्रेशन को दोगुना बना देगा। मनमिंदर अरोड़ा, मनाली, गुड न्यूज़ टुडे।